नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज आए हैं प्रयागराज के रेल घाट में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, थंबनेल देख के जान ही गए हम, प्रयागराज में एयर शो होने वाला है। आज 8 अक्टूबर है, तो हम लोग सभी देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पर 2 बजे या 2:30 बजे से शो होने वाला है, लेकिन लोगों की भीड़ लगभग 3 घंटे पहले से ही जुटना शुरू हो गई है। हम लोग भी लगभग 4 घंटे पहले आ गए थे और इंतज़ार में थे कि थोड़ा, मतलब इस हिसाब से आए थे कि हमें यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अगर भीड़ हो जाती है तो पहले से हम लोग जगह ले करके रखेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी खाली है, ये देखिए। और उधर संगम की तरफ भी भारी संख्या में लोग एकजुट हो रहे हैं, भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग लगातार यहाँ पर गाड़ियों से और पैदल चल करके ई रिक्शा से आ रहे हैं। और जितनी जगह ऐसी है जहाँ पर छाया है, तो वो सारी जगहें फुल हो चुकी है। देश से आए हैं आप यहाँ पे? वायुसेना का स्थापना वर्ष था, जिसके उपलक्ष्य में एयर शो का प्रोग्राम रखा गया, इसीलिए हम यहाँ पे एयर शो का प्रोग्राम देखने आए हैं। मिराज, सुखोई, MiG-21, चिनाकू जैसे यहाँ पे कला का कर्तव्य कर देंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, उसी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं और काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे साथ आए हैं सूरज जी, और इनसे पूछते हैं कि इनके क्या विचार हैं, क्या जानकारी आपको है यहाँ एयर शो होने वाले एयर शो के बारे में? ये आज हम प्रयागराज के संगम तट अरहल घाट पर हम उपस्थित हैं। यहाँ पर आज एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें क्षेत्र से दूर दूर से लोग यहाँ MP से, UP से, कई जिलों से लेके यहाँ पर आए हैं लोग एयर शो देखने के लिए। और यहाँ के जनता में काफ़ी उत्साह दिख रहा है, इंतजार है उनको ये शो देखने के लिए, जिसका कार्यक्रम करीब 2:30 बजे स्टार्ट होगा। लगभग हम यहाँ 12:30 से यहाँ पर आ गए हैं और इंतजार है ये कार्यक्रम देखने के लिए। और तो लगभग 2:30 बजे से है, 2:30 बजे से प्रारंभ होगा और लगभग 4 बजे तक ये कार्यक्रम है। लोगों में इतना उत्साह है कि मतलब 3-4 घंटे पहले से ही आकर के अपनी अपनी जगह को है। लगभग सुबह से यहाँ 9 से 10 के बीच से यहाँ जमावड़ा होने लगा है, इतनी तेज धूप भी है तब भी यहाँ पर इतने उत्साह है लोगों में। धूप तो उनको बिल्कुल लगी नहीं रही है, सब धूप में खड़े हैं, उनको कोई वो नहीं दिक्कत आ रही है। अपना खाना पानी ले करके सभी लोग, सब खाना पानी की व्यवस्था करके, अपना जो ज्यादा दूर से आए हैं, पास से आए हैं, उस अनुसार वो अपनी व्यवस्था लेके। अपना बताई कैसन मुश्किल सामना करा पड़े अपने? बैठे रहन तो सूरज भाई हमार आदेश करें कि चले गए प्रयागराज एयर शो देखे। सूरज भाई के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ तक आए हैं, काफी अच्छा अनुभव, काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो कैसन व्यवस्था करें है अभी, का योजना बनी? अब योजना पर मिला रहा कोटा, गेहूँ बेचे रहें 35 किलो रहा, 10 किलो दे दे घरे में, 25 किलो बेच के पेट्रोल डलाए हैं, 500 के गेहूँ भर है 20 रुपये किलो के हिसाब से, तो 200 का पेट्रोल डालें, 300 डालें तो जाए कौआ मारा ओके बाद आ रहा। यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप है, लेकिन फिर भी इतना उत्साह है लोगों में देखने के लिए शो की। इस तरह देखेंगे आप इधर, ये वाहन अपने खड़े कर करके और उसमें चद्दर और ये कपड़े लगा करके लोग छाया बना रहे हैं और उसमें बैठ रहे हैं। ऐसे ही हम लोग भी यहाँ पर गाड़ी लेके आए हैं और ये तौलिया इसमें लगा करके छाया बनाएंगे, उसके बाद इंतजार करेंगे। लोगों में एयर शो का क्रेज इस कदर है कि सामने आप देखेंगे इतनी ज़्यादा भीड़ है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अभी तक, 10-15 मिनट तक यहाँ पहले तक काफ़ी यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ देखें तो ये जो किनारे वाली सड़क है अरहल घाट की, तो ये पूरी तरह से जाम है और घाटों पर भी देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। 2:21 हो चुके हैं और लगभग 10 मिनट और इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद एयर शो जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है। हम सब भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ,
पैराशूट खुल गया, रमजान ने पैराशूट से 8000 फीट की ऊंचाई से यहाँ पर वायु सैनिक कूद रहे हैं, जो कि हमारे कैमरे में हुआ छोटा छोटा दिख रहा है, वो अलग हो गए थे। तिरंगा बना है, अरे पानी गिर गया है, ऐसा पेड़ है, एक इधर आया। हाँ राफेल आएगा, राफेल यही मोटी घोटाला करे रहे। क्या था बात, डीजे बंद सब यहीं का कैमरा घुमा रहा, बताइए यहीं के लिए
आइटम। बच्चा लेके आए हो? बच्चे पूरे लेके आ रहे हम मुझे लगा सही जगह खड़ा है कहा है चारों कई सामान दिखा रहा है जहाज तिरंगा बांध रहे सिगरेट पी ला जौने में खर्चा ज्यादा है या ना वो कम उड़ा मिल रहा है जो खर्चा कम है ठोरेम होई अब रुकी ना सीधा चला दे यार क्या उड़ान है हम कह रहे थे मशीन सीट लिया आप जाने एक साथ आदमी नहीं उठा है अरे यार चारों दिशा में उड़ाना ऊपर नीचे पता कर पाने के रिश्तेदार तन हो एयर शो समाप्त हो चुका है और यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा भीड़ बनी हुई है ये ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर पूरी सड़क ब्लॉक हो गई है लाखों की संख्या में लोग हैं और गाड़ी और वाहन जो हैं वो सड़कों में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है Yeah.
आत्मा हो जाता है। तो सर से हर गया, जमुना जी को बताया, और जमुना जी को बताया।